आपके आपके सामने सामने ओके का ओके बटन का आ रहा बटन आ है रहा तो होगा, ओके तो कर ओके लीजिए। करने। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आज हम आज सीख हम रहे सीख रहे हैं हैं माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल कि में, के लास्ट टाइम लास्ट जो हमने टाइम जो सीखा हमने था सीखा आपको था कहा था आपको कि हर कस्टमर कस्टमर का का आपने आपने अकाउंट अकाउंट बनाना है, बनाना खाता है, खाता बनाना है, बनाना तो है, तो किस तरह किस से तरह हम से हम उसको उसको बना बना सकते हैं। सकते ठीक हैं। है, ठीक तो है, तो यहाँ पर यहाँ पर सबसे सबसे पहले पहले देखिए, देखें, खाते खाते बनाने के बनाने के लिए लिए हमें उसकी हमें उसकी दोनों दोनों एक्टिविटीज एक्टिविटीज को को रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना है। करना है। तो यहाँ तो पर यहाँ पर एक्टिविटीज एक्टिविटीज रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के करने लिए के लिए सबसे सबसे पहली पहली वाली वाली शीट शीट का का नाम नाम हम हम रखते रखते हैं हैं ले ले जर्नल, जर्नल जर्नल रख जर्नल देते रख हैं, देते जर्नल जर्नल एंटी कर एंट्री देते कर हैं इसका देते नाम। हैं इसका नाम। ठीक ठीक है, है, यहाँ पर क्लिक यहाँ पर क्लिक करके करके सीरियल नंबर, सीरियल नंबर यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे लिखते हैं आइटम आइटम डिस्क्रिप्शन। ठीक डिस्क्रिप्शन। है, ठीक है, और और इसको थोड़ा इसको यहाँ से थोड़ा यहाँ क्लिक से करके क्लिक मूव करके कर मूव लेते कर हैं लेते आगे, हैं आगे। और और यहाँ यहाँ पर पर हम इसका हम नाम इसका नाम रखते रखते हैं हैं डेट, डेट, और और यहाँ पे हम यहाँ लिखते पे हम हैं लिखेंगे डेबिट। ठीक डेबिट। है, ठीक है, और और के बाद उसके हम यहाँ बाद पे हम लिखते यहाँ पे हैं क्रेडिट। क्रेडिट। अगर आपको अगर ये आपको ये डेबिट डेबिट और और क्रेडिट क्रेडिट लिखने लिखने में में दिक्कत फील दिक्कत होती फील है होती तो है, तो आप आप यहाँ यहाँ पे पे इसको भी ऐसे इसको लिख भी ऐसे सकते लिख हैं, सकते कैश हैं, कैश इन इन और कैश और कैश आउट। आउट, ये दोनों ये चीजें दोनों आप कर चीजें आप कर सकते हैं। सकते हैं। चले हम चले डेबिट डेबिट और और क्रेडिट कर क्रेडिट देते कर हैं देते और हैं, यहाँ और पे लिख यहाँ पे लेते लिख हैं लेते हैं बैलेंस। ठीक बैलेंस। है, तो ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर हम हम डेली डेली बेसिस बेसिस की की जो भी जो हमारी भी हमारी एक्टिविटीज होंगी एक्टिविटीज ना होंगी ना वो हम यहाँ वो हम लिखेंगे। यहाँ तो लिखेंगे, यहाँ लिख तो यहाँ देते लिख हैं देते हैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेली डेली एक्टिंग एक्टिंग विथ ईज। विथ ईज। ठीक है, सही ठीक है, जा रहा है सही सब जा रहा है कुछ? सब तो कुछ। तो चलें चले एक एक दफा दफा मैसेज में मैसेज सब में टाइप सब कर टाइप दें। कर दें। यस, यस, जी श्री जी आपने श्री भी कुछ आपने टाइप भी नहीं टाइप किया। नहीं किया। चलें अब चले आगे अब बढ़ते आगे हैं। तो बढ़ते तो यहाँ पर यहाँ क्या पर क्या करेंगे, करेंगे हम हम अपनी अपनी डेली जो डेली जो एक्टिविटीज हैं एक्टिविटीज हैं वो वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे। करें, किस तरह से किस तरह से करेंगे करेंगे ये आपने ये नोट आपने करना नोट है। करना। तो मैं यहाँ पर मैं एक यहाँ पर एक सीरियल नंबर सीरियल जनरेट नंबर करा जनरेट लेता करा हूँ। देता हूँ, वन वन टू टू थ्री, थ्री और इसको और इसको सेलेक्ट सिलेक्ट करके करके या या फिर फिर इधर क्लिक क्लिक करके फिल्म करके में फिल्म में जाकर जाकर यहाँ से यहाँ क्लिक से क्लिक करूँगा करूंगा और और यहाँ से यहाँ ऑप्शन से ऑप्शन लूँगा मिलूंगा सीरीज, सीरीज, और जैसे और ही जैसे सीरीज पे सीरीज क्लिक पे क्लिक करूँगा करूंगा यहाँ से यहाँ ऑप्शन से लूँगा ऑप्शन कॉलम, कॉलम, और और जैसे जैसे ही ही स्टार्ट वैल्यू स्टार्ट में वैल्यू में वन वन और स्टॉप और वैल्यू स्टॉप में वैल्यू में जितनी मुझे जितनी मुझे एंट्रीज एंट्रीज जनरेट जनरेट करनी है करनी है वो यहाँ वो यहाँ पर टाइप पर टाइप करूंगा। करूंगा। सपोज फाइव सपोज फाइव हंड्रेड हंड्रेड एंड एंड देन देन इजीली इजीली मैं मैं इसको इसको ओके ओके करूंगा। करूंगा। तो जैसे ही तो ओके जैसे ही ओके करूंगा तो करूंगा आप तो आप देखेंगे कि देखेंगे कि यहाँ यहाँ पर पर आपके आपके आगे आगे नंबर्स नंबर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जनरेट जनरेट हो हो जाएंगे। जाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ ये पर जो नंबर ये नंबर जनरेट हुए जनरेट हुए हैं हैं जो कि जो कि तकरीबन तकरीबन 500 500 हैं हैं वो हमें वो यहाँ हमें यहाँ पर पर दिखाई देंगे। दिखाई दे। ठीक ठीक है, है, मैं मैं दोबारा दोबारा से से एक एक शॉर्टकट बता रहा शॉर्टकट हूँ बता रहा आपको हूँ कि आपको कि यहाँ पे यहाँ क्लिक पे क्लिक करके करके या या इसके उसके बराबर में बराबर क्लिक में क्लिक करके एंटर करके बटन एंटर बटन दबाऊंगा दबाऊंगा कीबोर्ड से कीबोर्ड से और उसके और उसके बाद बाद अप एरो आप एरो दबाऊंगा। दबाऊंगा तो तो आप आप देखेंगे देखेंगे मैं मैं फर्स्ट फर्स्ट रो रो पर पर शिफ्ट हो शिफ्ट हो जाऊंगा। जाऊंगा। तो इस तो तरह इस तरह से से हमने हमने जनरेट करवा जनरेट करवा लिए दिए ऑटो ऑटो नंबर्स। नंबर्स।
अब यहां अब यहां से से मैं ए मैं कॉलम ए पर कॉलम क्लिक पर कर रहा क्लिक हूँ, कर रहा हूँ, यहां से इसको यहां से सेंटर इसको कर रहा एंटर हूँ, कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये सारा देखिए डेटा सारा डेटा मेरा मेरा सेंटर में आ सेंटर में गया, आ ठीक गया। है। ठीक उसके है, उसके बाद बाद मैंने यहाँ मैंने से यहाँ सेलेक्ट सेलेक्ट किया किया और और यहाँ यहाँ पर पर बॉर्डर्स पे बॉर्डर्स पे गया, गया, यहाँ यहाँ से से ऑल ऑल बॉर्डर बॉर्डर का का ऑप्शन ऑप्शन लिया, तो लिया, तो आप आप देखेंगे कि देखेंगे कि यहाँ यहाँ पर पर बॉर्डर्स बॉर्डर्स अप्लाई हो अप्लाई चुके हो हैं। चुके हैं। यहाँ से यहाँ इसको से उसको सेंटर सेंटर करेंगे, फॉन्ट करेंगे, फॉन्ट साइज को साइज को इंक्रीज इंक्रीज करेंगे, करेंगे, और और जब इसको जब हमने इसको एक हमने दोबारा एक सेंटर बार कर सेंटर कर देते, देते, यहाँ से हम यहाँ इसको से थोड़ा इसको थोड़ा हाइट हाइट बढ़ा देते बढ़ा हैं रो देते हैं, की, रो फॉन्ट की फॉन्ट साइज थोड़ा साइज और थोड़ा बढ़ा और देते बढ़ा हैं, देते हैं। तो तो इजीली इजीली हमारा ये हमारा ये काम काम हो गया। हो गया। अब अब रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेली डेली एक्टिविटीज एक्टिविटीज में में हमें हमें यहाँ यहाँ पर करना पर करना ये है ये है कि ये कि ये जर्नल जर्नल एंट्री है, एंट्री है, मतलब मतलब जो भी जो भी सेलर सेलर परचेज परचेज होगी होगी वो हम वो यहाँ हम यहाँ पर पर लिखेंगे। तो लिखेंगे। जैसे मैंने जैसे मैंने आपको आपको एक शॉर्ट एक की शॉर्ट की बताई बताई थी, कंट्रोल थी, सेमी कंट्रोल सेमी कॉलन, कॉलन, जिससे हम जिससे हम सिस्टम की सिस्टम की करंट करंट डेट डेट गेट कर गेट सकते कर हैं। सकते तो हैं। इसको तो कैसे इसको हम कैसे यहाँ पे यहाँ क्लिक पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल के के साथ साथ होल्ड होल्ड करेंगे करेंगे और सेमी और कॉलन सेमी को कॉलम को दबाएंगे, तो दबाएंगे, तो हमारे हमारे पास पास ये ये एक एक डेट आ डेट आ गई गई जो कि जो कि आज आज की की डेट डेट है। तो है। तो यहाँ पर यहाँ मैंने पर मैंने लिखा लिखा ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस बैलेंस और और डेबिट में कर डेबिट में दिया कर दिया इसको इसको जीरो, कि जीरो, कि भाई आज भाई का आज कोई का कोई बैलेंस बैलेंस नहीं है, नहीं, पर जीरो पर तो एक जीरो तो एक वैल्यू है। वैल्यू है। यहाँ पर यहाँ क्लिक पर क्लिक करेंगे, सम करेंगे, सम करेंगे करेंगे, और और अच्छा 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 चलो सम चले नहीं सब नहीं करते, तो करते, हम यहाँ तो हम यहाँ पर पर क्लिक क्लिक करके करके इक्वल का बटन इक्वल का बटन दबाएंगे दबाएंगे, और यहाँ और से यहाँ से डेबिट वाले डेबिट सेल वाले का सेल का रेफरेंस रेफरेंस देंगे। देंगे। जैसे ही जैसे ही रेफरेंस रेफरेंस आ आ जाएगा जाएगा, एंटर एंटर दबाएंगे, तो दबाएंगे, तो आप आप देखेंगे देखेंगे वहाँ वहाँ पर पर सेम सेम बैलेंस बैलेंस शो शो होना होना शुरू हो शुरू हो जाएगा। जाएगा। अब नीचे अब वाली रो नीचे पर वाली रो आइए, कराइए, यहाँ पर यहाँ पर आके आके हमने हमने सम सम करना है, करना है, सेकेंड सेकेंड रो के रो डेबिट के वाले डेबिट सेल वाले पे सेल क्लिक पे क्लिक करना करना है है, और और उसमें से उसमें माइनस करना है माइनस करना है सेकेंड रो का सेकेंड रो का करंट वाला करंट वाला सोल सोल सेल, सेल, और और उसमें प्लस उसमें प्लस करना है करना फर्स्ट है फर्स्ट रो का रो का बैलेंस वाला बैलेंस सेल। वाला जैसे सेल। एंटर जैसे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, करने एंटर के करने के बाद बाद यहाँ यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करके करके जस्ट जस्ट डबल क्लिक डबल क्लिक करें करें या या इसको इसको ड्रैग कर दें। ट्रैक। जैसे डबल जैसे क्लिक डबल क्लिक किया तो किया आप तो आप देखेंगे देखेंगे यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको जीरो 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 नजर आ नजर रहे आ रहे होंगे, हैं। ये ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल तक नजर नीचे आ रहे नजर आ रहे होंगे, होंगे, 500 एंट्री पर, ठीक फाइव है। हंड्रेड एंट्री पर, अच्छा ठीक है। अब यहाँ अब पे यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला हमारा हमारा रिपीट हो रिपीट चुका हो चुका है, ठीक है, ठीक है। है। यहाँ तक यहाँ सबको तक समझ में आ गई समझ में आ बात? गई बात। चलें फिर चले चैट फिर बॉक्स चैट में आके बॉक्स में सब आके सब यस कर यस दें, कर टाइप दे, यस यस इन चैट इन चैट बॉक्स। बॉक्स। जय श्री, जय हो श्री। गया। चलें फिर चले आगे फिर आगे बढ़ते। बढ़ते। अब अब यहाँ यहाँ पर पर आपने आपने देखा देखा कि ये कि ये हमारी हमारी एक्टिविटीज एक्टिविटीज रिकॉर्ड रिकॉर्ड होंगी, होंगी। इसके लिए हम इसके क्या लिए हम क्या करते, करते, कुछ कुछ फेक फेक एंट्रीज करते। एंट्रीज सपोज करते। टू बी सपोज टू बी हमारा एक हमारा एक सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर, उस पर उस मुख्तलिफ पर आइटम मुख्तलिफ सेल होते आइटम हैं। सेल होते हैं। अब हम कुछ अब हम आइटम्स कुछ को आइटम सेल को करते सेल हैं, करते हैं, तो उनकी तो उनकी एंट्रीज एंट्री कैसे कैसे करेंगे? करेंगे। मेरे मैं अपने अपने सेल को सेल पॉइंटर को लेकर पॉइंटर को आया डेट लेकर के आया ऊपर, तो डेट के ऊपर, यहाँ पर आके तो यहाँ पर आके मैंने कीबोर्ड से दबाया मैंने कीबोर्ड कंट्रोल से दबाया सेमीकॉलन, कंट्रोल तो आज की एक डेट सेमीकॉलन, प्रोड्यूस आज की एक डेट हुई, प्रोड्यूस और हुई, यहाँ पर और यहाँ पर अगले आइटम पर अगले आइटम पर यानी कि अगले कॉलम पर यानी कि अगले मैंने कॉलम पर लिखा
मैंने लिखा अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी शैम्पू शैम्पू अब सोल्ड एक शैम्पू हमने अब एक शैम्पू सेल हमने कर सेल दिया। अब कर लाजमी दिया। बात है उसके अब एवज लाजमी में बात है उसके एवज हमें में पैसे मिले, तो हमें पैसे वो मिले हमने तो यहाँ पे वो हमने यहाँ पे डेबिट डेबिट सेक्शन में सेक्शन में एंट्री कर दिए। एंट्री कर दी। जैसे इंटर करेंगे जैसे इंटर करेंगे तो हमारा तो बैलेंस हमारा आप बैलेंस देखेंगे आप देखेंगे अपडेट हो गया अपडेट हो और गया 500 हो गया। और 500 हो वंस अगेन गया। वंस अगेन फिर से एक और एंट्री करते फिर हैं से एक और एंट्री करते हैं और और इस दफा में एक इस दफा में एक फाइजा ब्यूटी फाइजा क्रीम की ब्यूटी एक क्रीम एंट्री की एक कर एंट्री दी कर दी और उसकी और मैंने उसकी मैंने 300 300 प्राइस प्राइस कोट कर कोट दिए। कर फिर दी। फिर मैंने यहाँ मैंने पे ले यहाँ पे लिया ले लिया ऐसे मैं पांच ऐसे मैं सात पांच सात एंट्रीज एंट्री कर कर रहा हूँ। रहा हूँ। तो जैसे 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 आइटम जैसे सेल होते आइटम जा सेल रहे होते हैं जा रहे हैं आप नोट आप करते नोट जाएं करते कि जाएं कि वैसे 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 हमारा हमारा बैलेंस भी बैलेंस भी अपडेट होता अपडेट जा रहा होता है। जा ठीक रहा है। है समझ ठीक है समझ में आ रही है में आ बात। रही है बात सही है। सही। अब अब देखते ये हैं देखते हैं कि कि ये सारा ये सारा आइटम तो हम आइटम बेच तुम रहे हैं, बेच रहे हो सेल हो रहा सेल है, हो रहा है डेली की डेली की एक्टिविटीज हो रही एक्टिविटीज हो हैं। रही ठीक है। ठीक है है अब अब यहाँ यहाँ पर पर हमने हमने हर हर कस्टमर कस्टमर का का डेटा कैसे डेटा कैसे मेंटेन कर रहे मेंटेन हैं। कर रहा है। उससे इससे पहले पहले एक चीज एक को चीज को समझने की समझने की कोशिश कर रहे कोशिश हैं। कर। देखिए देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा बैलेंस आ है रहा है वो वो रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है बार 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 रिपीट बार हो रहा है। रिपीट हो रहा है। मैं ये मैं ये चाहता हूँ चाहता हूँ कि कि जो जो बैलेंस है बैलेंस ये इस तरह ये इस तरह रिपीट ना रिपीट हो। ना हो। जब जब मैं मैं डेबिट डेबिट में, में क्रेडिट में क्रेडिट में या या डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में या या डेट में डेट में कोई कोई एंट्री एंट्री करूं तो करूं ये तो ये बैलेंस नजर बैलेंस आए। नजर आए। अदरवाइज ये अदरवाइज ये बैलेंस नजर बैलेंस ना आए। नजर ना आए। ये मतलब ये मतलब फॉर्मूला लगा रहे फॉर्मूला लेकिन लगा रहे लेकिन ये हाइड ये हो गया। हाइड हो जाए। इसके इसके लिए लिए हमें हम एक एक फंक्शन यूज फंक्शन यूज करेंगे करेंगे जिसका नाम जिसका है नाम है इफ इफ। इफ इफ एक कंडीशनल लॉजिक कंडीशनल है लॉजिक है जी। समझे जी इसमें क्या समझे हुआ। क्या हुआ समरीन समरीन अपना अपना माइक को माइक को अनम्यूट करें अनम्यूट जैसा करें मैंने जैसे आपको मैंने बताया आपको था। बताया क्या था और क्या क्या पूछना क्या चाह पूछना रही चाह हैं। रही। जी सर कह लिया। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सर जो अभी आपने बताया ना एफ वाला, सर जो आपने एफ वाला बताया वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, अभी आप बताओ दोबारा से। अच्छा नहीं अभी मैं बता ही रहा बता ही हूँ रहा हूँ कि कि हम हम ये जो ये जो हमारा हमारा बैलेंस बैलेंस नजर आ नजर रहा आ है रहा है इसको इसको चाहते चाहते हैं कि हैं जब कि नजर जब आए, नजर आए जब जब मैं मैं यहाँ यहाँ पर पर डेट डेट सेक्शन में, सेक्शन में अभी एक मिनट डेट एक मिनट सेक्शन डेट ना, सेक्शन डेट डेट सेक्शन में सेक्शन में जैसे ही जैसे ही डेट डेट डालूं डालूं तो तो फिर फिर ये ये बैलेंस बैलेंस यहाँ यहाँ पर पर नजर आए, नजर आए अदरवाइज पहले अदरवाइज से पहले से नजर नजर ना आए। ना आए। तो इस तो इस कंडीशन कंडीशन को को हम हम कैसे कैसे इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे करेंगे ये मैं ये मैं आपको आपको समझा रहा समझा हूँ। रहा हूँ। ठीक है ठीक है जी सर, चलें चलें समझते हैं। मैं समझते आपका हैं मैं माइक आपका दोबारा माइक से दोबारा से म्यूट कर रहा म्यूट हूँ। कर रहा हूँ। तो देखिए तो इस देखिए इस कंडीशन जो कंडीशन है जो है बेसिकली बेसिकली इसको इस तरह से इसको इस लिखा तरह जाए से लिखा जाए इसके